हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत। इस वीडियो में हम कनाडा SDS एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। आपका सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं हमको मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल VPS इमिग्रेशन को आप फॉलो कीजिए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और नीचे जो हेल्पलाइन नंबर है आप इनमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दो हेल्पलाइन नंबर है, आप इनमें से व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और या फिर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ये मेल आईडी है, आप इस पर कांटेक्ट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट होता है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको SDS कैटेगरी में कैसे GC की अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। तो अब हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कनाडा जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी खोल रखा है। इस तरह का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको आई वांट सर्विस इन, यहाँ पर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका नाम है यहाँ पर सरनेम सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा नाम सहरावत है तो मैं सहरावत डाल देता हूँ। और फर्स्ट नेम में आप यहाँ पर जो आपका नेम है फर्स्ट नेम वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किसी दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं तो आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जेंडर जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। इसके बाद आपसे सिटी और टाउन पूछा जाता है कि आपका बर्थ किस प्लेस सिटी में हुआ है, तो मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो दिल्ली है। जो आपके पासपोर्ट पर मेंशन होता है उसी तरीके से आपको मेंशन करना है। तो कंट्री और टेरिटरी में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, सिटीजनशिप में आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 7th ऑप्शन में यहाँ पर आपको करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है इसके अंदर भी। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस में आपको सिटीज़न सेलेक्ट करना है, और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे 8 कॉलम्स में आपसे पूछा गया है कि आप पिछले 5 सालों में किसी भी कंट्री में रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद 9th कॉलम में कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, तो यहाँ पर आपको येस करना है। 10th कॉलम में आपको मैरिटल स्टेटस आपका चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर सिंगल चूज़ कर देता हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप, यहाँ पर पूछा गया कि आपने पहले कभी शादी की थी, तो नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज में आपको जो भी नेटिव लैंग्वेज है, मेरी हिंदी है, अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी को सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे हिंदी मिल गया, हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर, तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं कम्युनिकेशन में तो आप बोथ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसके सब ऑप्शन में पूछा गया है, इसके बाद नीचे पूछा गया है कि आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज का, तो यहाँ पर हम येस सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर अपना मेंशन करना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद इशू डेट, आपकी जो भी इशू डेट है पासपोर्ट की वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, और फिर यहाँ पर एक्सपायरी आपको डालनी है तो यहाँ मैं एक्सपायरी डाल देता हूँ। इसके बाद जो है आपका ये नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का है, तो यहाँ पर आप येस सेलेक्ट करेंगे और अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, और कंट्री में आप यहाँ पर इंडिया चूज़ कर देंगे। आधार कार्ड नंबर जो भी आपका है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडिया मेंशन कीजिए कंट्री में, अगर आपको इशू डेट पता है उसका तो डाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर इशू डेट भी नहीं पता है तो आप इसको कॉलम को छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे USPR कार्ड पूछा जाता है, तो आप इसको नो सेलेक्ट कीजिए, और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद सिटी में अपना सिटी चूज़ कीजिए, यहाँ पर अपना इंडिया चूज़ करना है आपको। इसके बाद पोस्टल कोड में जो भी आपका पोस्टल कोड है वो डालिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में अपना जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए।
इसके बाद आपसे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा गया है कि रेजिडेंशियल एड्रेस और मेलिंग एड्रेस आपका सेम है तो यस सर कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप उसका एड्रेस प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए और अपना यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर पर प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आपके पास कैनेडा या यूएस का कोई नंबर है तो वो प्रोवाइड करा सकते हैं, अदरवाइज दूसरी कंट्री का नंबर है तो यहाँ पर अदर सेलेक्ट कीजिए, उसका कोड यहाँ पर डालिए। और यहाँ पर पूछा गया कि वो फ़ोन नंबर रेजिडेंस है, सेलुलर है, बिजनेस है, तो मेरा सेलुलर है, कंट्री कोड में मेरा 91 डाल के, और ये मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ। अल्टरनेट नंबर अगर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद इस वेफ एक्स नंबर को छोड़ दीजिए, जो भी आपकी मेल आईडी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद जिस भी आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ने, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर आपको मेंशन करना है, तो यहाँ पर उसका नेम मेंशन कर देना है, तो जो भी यूनिवर्सिटी है या उसका नाम है, माय लेवल स्टडी विल बी, तो यहाँ पर मैं जो स्टडी करने जा रहा हूँ वो डिप्लोमा मान लेते हैं, कॉलेज सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी आप करने जा रहे हैं वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट कर दिया है। माय फील्ड ऑफ स्टडी विल बी, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ साइंस, अप्लाइड साइंस, साइंस और हेल्थ के लिए मान के चलिए, ये मैंने चूज़ कर दिया। जो भी आपका है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है आपको। तो प्रोविंस, उसका प्रोविंस का कोड आपको पता होना चाहिए, ओंटारियो के लिए ON है। और सिटी जो भी है आप सिटी चूज़ कर सकते हैं, ओंटारियो की सिटी हैं बहुत सारी, तो मान के चलिए ये सिटी मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पर फिर एड्रेस देना है, एड्रेस जो भी है। इसके बाद जो भी आपका ऑफर लेटर है उसके ऊपर ये नंबर लिखा रहता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का, वो मेंशन करना है, वो आप देख सकते हैं अपने ऑफर लेटर के अंदर। उसके बाद आपको माय स्टूडेंट आईडी, आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो आपको मिली होगी, उसमें ही मेंशन होगा, वो यहाँ से मेंशन करना है। और यहाँ पर मेंशन करना है जब कब से आपका कोर्स स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है, आपकी ओवरऑल ट्यूशन फ़ीस, वो यहाँ मेंशन कीजिए। इसके बाद कैनेडा फंड्स अवेलेबल फॉर माई कैनेडा, फॉर माई स्टे, कैनेडियन डॉलर में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर आपने जो होल्ड करके रखते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद माय एक्सपेंसेस इन कनाडा विल बी पेड बाय मी माय सेल्फ, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको मेंशन करनी है ओवरऑल, और यहाँ पर आपको फंड्स मेंशन करने हैं जितने कि आपके पास हैं वहाँ पर स्टे करने के लिए। यहाँ पर आपके पास एजुकेशन का पूछा जाता है कि आपने कोई सेकेंडरी एजुकेशन ले रखी है, कॉलेज, अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग या इनकलूडिंग यूनिवर्सिटी, तो आप यस या नो अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देता हूँ। और इसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट की जानकारी पूछी गई है, तो यहाँ पर हम वर्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं 2022, और आज मंथ है चल रहा है 05। उसके बाद NA सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर भी NA, और यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। सिटी में दिल्ली यहाँ पर डाल दीजिए, कंट्री इंडिया चूज़ कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। जो अगर आप वर्किंग, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर इस कॉलम में आपको डिटेल्स फिल करनी है, अदरवाइज़ NA कर दीजिए। और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेजरली पूछा गया है कि आपने कभी कोई क्राइम किया है या फिर आप डिपोर्ट हुए हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं इन सबको नो कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है CIC को, इसको यस कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आज की जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट को डाल सकते हैं, तो मैं आज की डेट मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना है, तो जब आप वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर बार कोड्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका सक्सेसफुली आपका वैलिडेशन हो चुका है। इस फॉर्म को सेव कीजिए और जो आपका GIC अकाउंट है वहाँ पर जाके इसे अपलोड कर दीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।